हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे उड़द दाल के पकोड़े। उड़द दाल के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी उड़द दाल। इसे मैंने 4 घंटा पहले भीगने के लिए रख दिया था। 4 प्याज लंबी कट की हुई, थोड़ा सा कट किया हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच नमक। सब में पहले हम उड़द दाल को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लेंगे। देखिए, हमने इसे बारीक पीस लिया है। इसी तरह हम सभी उड़द दाल पीस लेंगे। दाल पीसकर हो चुकी है, अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे, पिसी हुई हरी मिर्च, नमक और कट किया हुआ हरा धनिया डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिला दिया है, अब हम इसे ढककर 5 मिनट साइड में रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसे अच्छा गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके उड़द दाल का भजिया छोड़ेंगे। अब हम इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। पकोड़े गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल देंगे। अब हम इसी तरह सभी पकोड़ों को तल लेंगे। देखिए, हमारे उड़द दाल के पकोड़े बनके तैयार हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।